और सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महापौर से सवाल बातचीत कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। छह या सात महीने फरवरी बीत रहा है, सितंबर तक के आपके पास नौवे महीने तक के है, मतलब सात महीने आपके पास है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की ओर से स्वीकृत होती है, राशि पहुंच जाती है, लेकिन पता चलता है कि एमआईसी भी दो दो महीने तक रुका हुआ है। फिर ऐसे एमआईसी क्या मतलब है, जो काम 15 दिन में होना चाहिए दो दो महीने तीन तीन महीने तक पड़ा। पता चला कहीं अध्यक्ष और महापौर तक के भाट का है, कई बार पता चलता है कि सचिव स्तर पर अटका हुआ है, कभी पता चलता है कि मंत्री स्तर पर तो नहीं अटका है। अच्छा, जब आप लोगों के बारे में बोला था नहीं ताली बजा तो मंत्री जगह पर तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि 15 दिन से अधिक कोई काम अटकना नहीं चाहिए, चाहे वो एमआईसी के स्तर पे हो, चाहे वो महापौर के स्तर पे हो, चाहे हल्का कमिश्नर के स्तर पे हो, चाहे सचिवालय के स्तर पे हो, चाहे मंत्री के स्तर पे हो। मैं आयाज से कहना चाहूंगा मुझे हर महीने रिपोर्ट हर नगर पालिका नगर निगम का मिलना चाहिए कि कहाँ कोई अटका है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोई काम अटकना नहीं चाहिए। अब जिसका इंतजार है मैं उस मुद्दे पे आ जाता हूं। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि वो जो 26 रुपया है ना चुंगी का है ना, तो उसको 35 कर देता हूं, मतलब सीधा सीधा एक ही है। ठीक है, 20 साल से नहीं बढ़ा था 1 रुपया, 26 में 9 और जुड़ा था, मतलब कितना हुआ, एक तिहाई बढ़ गया, 30% है? नहीं बढ़ा तो मेरी गलती है, मुझे तभी बोल रहे हो, मैं लिख के भी नहीं आया था उसको, लेकिन अभी बोले तो मैं आया से बात किया, मंत्री जी से बात किया, मैं सीधा 9 रुपये बढ़ा दी, मतलब एक तिहाई तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं आगे नहीं बढ़ता। रायपुर में 1000 सीट, भिलाई में 500 सीट और बिलासपुर में 750 सीट शहरी महिला आजीविका केंद्र प्रारंभ किए जाने हेतु 7.5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। दूसरा, युवाओं के रोजगार हेतु भिलाई रायपुर में अत्याधुनिक सॉफ्ट एवर एवं हार्ड एवर सुविधा सहित बीपीओ हेतु 10-10 करोड़ रुपए घोषणा करता हूं। एक जिसमें सब लोग ताली बजाएंगे, रीपा जैसे हम लोग अभी हर ब्लॉक में 2-2 शुरू किए हैं, तो वैसी सभी रीपा के तर्ज पर शहरों में अर्बन कॉटेज एवं सर्विस इंडस्ट्री पार्क लगाए जाने हेतु सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को 2-2 करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं। सभी नगर निगम नगर पालिका शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने, अत्याधुनिक शौचालय के निर्माण, प्रकाश व्यवस्था है तो प्रत्येक नगर निगम और नगर पालिका को आबादी के अनुपात में यथा आवश्यक राशि प्रदान करने की घोषणा करता हूं। स्मार्ट हेल्थ क्लोस्ट के माध्यम से बीपी शुगर रक्त परीक्षण आदि के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान किए जाने हेतु प्रथम चरण में नगर निगमों को 50 कियोस्क की स्थापना हेतु 6 लाख प्रति कियोस्क की मांग से 3 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं। रायपुर शहर में के जल भराव वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु ड्रेनेज सिस्टम के लिए 18 करोड़ तथा G20 समिट की तैयारी के लिए 20 करोड़ जारी करने की घोषणा करता हूं। भिलाई में विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन हेतु 20 करोड़
और सिविल हॉस्पिटल सुपेला के आधुनिकरण हेतु 7 करोड़ की घोषणा करता हूं। दुर्ग शहर में श्रीनाथ नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हेतु 11 करोड़, अंबिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम उन्नति हेतु 3 करोड़, सड़कों के निर्माण सौंदर्यीकरण हेतु 10 करोड़।